अस्सलामुअलैकुम। आज हैं हम बेहद खूबसूरत इलाका सेरी का है छतर। वहाँ इतनी प्यारी बारिश हो रही है और ये एरिया इतना प्यारा है कि मैं क्या बताऊँ। ना तो इसको मेरा मोबाइल कैप्चर कर रहा है, इतनी खूबसूरत लोकेशन है, और ना ही कोई अल्फाज है मेरे पास कि मैं ये बयान कर सकूँ। क्योंकि जो मैदानी इलाकों से आए हैं हमारे जैसे लोग, उनके लिए तो ये वाली चीज़ें बहुत अट्रैक्शन रखती हैं। खूबसूरत है वो सामने पेड़ है, किसी चीज़ का है। जूम करके देखें, एप्पल लगे हुए हैं अभी भी, हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। और सेरी से ये अच्छा मुझे इसलिए लग रहा है, सेरी भी बहुत खूबसूरत है, सेरी से मुझे थोड़ा सा अच्छा इसलिए लग रहा है, यहाँ के ना रास्ते थोड़े साफ़ हैं और घर जो है ना वो रोड के किनारों पर हैं, तो आपको ज़्यादा स्लिपी और डस्टी रास्तों से होके नहीं गुजरना पड़ता। स्लिपी ज़्यादा है, मडी और स्लिपी होते हैं, वो भी बारिश की वजह से। उसको भी अगर आप बारिश के बगैर आओ तो मार्च और अप्रैल वाले महीनों में आओ तो बहुत अच्छा एरिया है वो भी, लेकिन ये उसके थोड़ा सा नज़दीक है। बाग और सेरी के दरमियान में है छतर, छतर है नाम शायद, मैं भी सही नाम मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, वो मेरी मामा इंजॉय कर रही है। मौसम बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है ये। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वहाँ ऊपर जाऊँ। और ये घर इतने प्यारे अंदर से बने हुए हैं, इतनी अच्छी इनकी कंस्ट्रक्शन है और बेहद खूबसूरत है, और सेटिंग बड़ी अच्छी की हुई है इन लोगों ने। और ये छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, मतलब बाग है, बाग का तो मतलब ही यही है कि बस बाग ही बाग होंगे। फ्रूटफुल ट्रीज़ हैं हर तरफ, बाग का बेहद खूबसूरत एरिया है ये छतर, बादलों के पास, और यहाँ हवा भी लगती है, सेरी में इतनी तेज़ हवा नहीं लगती, वो प्यारा सा कोई परिंदा बैठा हुआ। यहाँ बारिश हुई है ना तो उसके बाद बड़ी अच्छी मज़े की हवा चल रही है। हेलो प्यारे बर्ड, कितने मज़े कर रहे हो तुम। जी 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 हाँ जी, क्या कर रहे हो आप बताओ मुझे, कोई काम कर रहे हो या काम बिगाड़ रहे हो। ओ प्यारी सी हैन है यहाँ पे, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है इतना बड़ा सारा। ये देखिए इतनी मज़े की स्टेयर्स हैं, इसीलिए मुझे छतर ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ ना मूविंग आसान है, चलना फिरना सेरी में बहुत प्रॉब्लम होती है बारिश वाले महीने में। वैसे नहीं, वैसे तो अंकल बता रहे थे कि बहुत सूखे जब रास्ते हो जाते हैं तब आसान होता है, लेकिन इनके घर के आगे काफ़ी सारा सेहन है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये है पेड़ है जनाब आड़ू का, क्योंकि मैं आड़ू और अखरोट को अक्सर एक साथ बोल जाती हूँ कि शायद ये अखरोट है, लेकिन ये आड़ू है और ये अखरोट है, दोनों सेम हो कदावर मज़े के। कभी मैं मैदानी इलाके में किसी ट्री की इतनी ऊंची शाख पे ना पहुंच पाऊँ जितना मज़े का कश्मीर है। लोगों के घरों पे छतों पे पहुंच जाते हैं हम पहले ही सेहन में एंटर होने से, और पेड़ों की भी शाखों तक। प्यारे प्यारे आड़ू, सॉरी अखरोट, फिर से वही बात। ये देखिए अखरोट ऐसा होता है, ग्रीन होता है, और हमारे पास कैसे आता है पत्थर दिल हमारे पास पत्थर दिल अखरोट आता है मेरा वहाँ ऊपर जाने को बहुत दिल चाह रहा है, वो टॉप पे, लेकिन मौसम भी थोड़ा ऐसा है और कह रहे हैं वो बहुत दूर है, ऐसी लग रहा है कि नज़दीक है लेकिन वो बहुत दूर है, लेकिन वो वाली ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है।